भी प्रोडक्ट्स मैंने शेयर किए हैं आज के वीडियो में, सबसे अच्छा तो मुझे यही लगा है। इसके मुझे ये लिपस्टिक बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ये है मामा अर्थ अनियन हेयर ऑयल। ये तो फेस बहुत ही ज्यादा ऑयली ऑयली सा और डार्क लगने लगता है, एक्ने की प्रॉब्लम भी होती है। मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स मैंने कभी भी ट्राई आउट नहीं। हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शाइनिंग। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अमेज़न हॉल मेकअप प्रोडक्ट्स, स्किन केयर प्रोडक्ट्स, मैं सभी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और ये वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि मैं सारे प्रोडक्ट्स की जो रिव्यू है वो भी मैं देती जाऊंगी। ऑल्सो जो भी प्रोडक्ट्स मैं दिखाऊंगी सारे ही अंडर योर बजट, मतलब सारे ही 500 रुपीज के अंदर है। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी सुपर हेल्पफुल। सो मेक श्योर वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट लेट मी स्टार्ट विथ स्किन केयर प्रोडक्ट्स। मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स मैंने कभी भी ट्राई आउट नहीं किया है। सो जो पहला प्रोडक्ट है वो है ये मामा अर्थ टी ट्री फोमिंग फेस वॉश। टी ट्री फेस वॉश मेरे स्किन पर काफी सूट करता है एंड मॉनसून सीजन में आजकल हम लोग मास्क पहनकर बाहर जाते हैं जिससे कि एक्ने की प्रॉब्लम भी होती है एंड आई एम फेसिंग एक्ने इश्यूज अभी कुछ दिनों से। सो मुझे लगा कि टी ट्री फेस वॉश मेरे स्किन पर अच्छा रहेगा। सेंसिटिव काइंड ऑफ फेस वॉश मुझे चाहिए एंड टी ट्री तो काफी ही अच्छा है एक्ने प्रोन स्किन के लिए। सो मुझे लगा मैं इसे ट्राई करती हूँ एंड फिर मैं आप लोगों के साथ जो ऑनेस्ट रिव्यू है वो मैं शेयर कर पाऊंगी। सो इसको मैंने 2 बार ही इस्तेमाल किया है, मुझे अच्छा लगा। हालांकि फ्रेग्रेंस उतना ज्यादा अच्छा नहीं है बट टी ट्री का ही फ्रेग्रेंस है जो मुझे तो अच्छा नहीं लगता। सो मैं इसे कुछ दिनों और इस्तेमाल करूंगी एंड जब मुझे एक विजिबल डिफरेंस नजर आएगा तब मैं इसका जो अलग से रिव्यू है वो मैं एक अलग से वीडियो में शेयर करूंगी। और अगर आप इन प्रोडक्ट्स को परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैंने लिंक प्रोवाइड किया है, मेक श्योर आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करें। नेक्स्ट अगेन मामा अर्थ के एक प्रोडक्ट को मैंने परचेज किया है, ये है मामा अर्थ अनियन हेयर ऑयल। और अनियन हेयर ऑयल के बारे में मैंने काफी सारे सुना है, बहुत सारे यूट्यूबर्स इनके बारे में बात करते हैं एंड दे रियली लाइक इट। सो मुझे लगा मैं इसे ट्राई करती हूँ। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने अभी तक इसे इस्तेमाल नहीं किया तो मैं इसे इस्तेमाल करूंगी और फिर जो फीडबैक रहेगा वो मैं आप लोगों के साथ एक अलग से वीडियो में शेयर करूंगी। इसका फ्रेग्रेंस मुझे कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा, बहुत ही ज्यादा माइल्ड फ्रेग्रेंस लग रहा है। सो आई एम रियली होपिंग टू यूज दिस, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अच्छा रिजल्ट देगा मुझे। मेरे घर में रिसेंटली एक ओकेशन है जिसके लिए मुझे लगा कि हाँ कुछ नए नए मेकअप्स ट्राई करते हैं। मैंने हाइलाइटर लिया है, पहली बार आई एम यूजिंग वेट एंड वाइल्ड हाइलाइटर एंड ये जो हाइलाइटर है ना मेरा शेड है एक्चुअली प्रेशियस पेटल्स, तो मुझे पिंकिश टोन में हाइलाइटर बहुत ही अच्छा लगता है। ब्लश और हाइलाइटर के साथ वो ना काफी अच्छी तरीके से मिक्स हो जाता है, दैट्स व्हाई आई लव पिंक टोन हाइलाइटर्स। तो मुझे ये हाइलाइटर बहुत ही अच्छा लग रहा है, मैंने अभी भी वेयर किया है, आप लोग देख सकते हैं। ये तो मुझे लग रहा है कि हम सभी को ट्राई करना चाहिए। मैंने आई शेडो की तरह भी इसे अप्लाई किया है आईज के ऊपर, तो आप इस तरह से भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं एंड बहुत ही अफोर्डेबल है। सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप ये वेट एंड वाइल्ड प्रेशियस पेटल्स वाला जो शेड है वो ट्राई कर सकते हैं। ये ऑल स्किन टाइप्स पर जाएगा लेकिन अगर डस्की स्किन टोन है ना आपके, इंडियन डस्की स्किन टोन, तो आप पर जो गोल्डन कलर का शेड है वो बहुत ही अच्छा दिखेगा। सो आप फिर गोल्डन कलर का शेड ट्राई कर सकते हैं और फेयर टू मीडियम स्किन टोन के लिए ये प्रेशियस पेटल्स वाला बहुत ही अच्छा रहेगा। सो आजकल ग्लोइंग एंड ड्यूवी बेस बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में है, नेचुरल लुकिंग ग्लोइंग ड्यूवी बेस। सो मैं उसी का ही कुछ मेकअप लुक आप लोगों के साथ शेयर करने का सोच रही हूँ। सो इसके लिए ही मैंने ये वाला ट्राई किया है, ये स्विस ब्यूटी पर्ल इल्यूमिनेटर मेकअप बेस। बहुत सुना है मैंने इसके बारे में, सो आई ट्राइड दिस वन एंड मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये है शेड नंबर 02 सिल्वर पिंक, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे स्किन टोन पर ये शेड उतना खिलकर नहीं आ रहा। सो आई थिंक मैं मुझे इतना सा इसे लेना है एंड सिर्फ अपने चीक्स पर इसे अप्लाई करना है क्योंकि अगर मैं इसे अपने होल फेस पर एज अ मेकअप बेस इस्तेमाल करती हूँ तो फेस बहुत ही ज्यादा ऑयली ऑयली सा और डार्क लगने लगता है। सो इसी वजह से मैं इसे सिर्फ अपने चीक्स पर और जहां जहां मुझे हाइलाइटिंग चाहिए मैंने सोचा है कि मैं सिर्फ उसी एरियाज पर ही इसे अप्लाई करूंगी, तो ऐसा करके ना वो काफी खूबसूरत दिखता है। ग्लो तो ये प्रोवाइड करता ही है बट आई थिंक थोड़ा सा शेड इशू है मेरे साथ, इसीलिए थोड़ा सा स्किन टोन मेरा डार्कर लगता है इसे इस्तेमाल करने के बाद। अदरवाइज इट इज अ वेरी नाइस बेस और आज भी मैंने इसे अप्लाई किया है एंड आप लोग देख सकते हो काफी ड्यूवी सा लग रहा है मेरा फेस। सो या हाईली रिकमेंडेड फ्रॉम माय साइड क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है। अमेज़न से मैं हर महीने ही शॉपिंग करती हूँ और हर महीने ही मेरे कार्ट में ये दो प्रोडक्ट्स तो होते ही है।
ये है Maybelline Fit Me फाउंडेशन और उसके साथ ये Maybelline Fit Me कंसीलर। मैंने काफी सारे कंसीलर्स ट्राई आउट किया है, LA Girl का भी कंसीलर मैंने ट्राई किया है लेकिन उसका शेड गलत आ गया था, डार्क शेड आ गया था, बट दैट कंसीलर इज ऑल्सो गुड। और ये कंसीलर मुझे बेस्ट लगता है, कोई भी कंसीलर इसे बीट नहीं कर सकता, इतना अच्छा कवरेज देता है, बहुत अफोर्डेबल है और मुझे डिस्काउंटेड प्राइस में भी मिल गया सोने पे सुहागा। बट मेरा शेड है 20 सैंड कंसीलर का और Maybelline Fit Me जो फाउंडेशन है उसका शेड है 128 वार्म न्यूड। सो अगर आपने अभी तक Maybelline Fit Me फाउंडेशन ट्राई नहीं किया है देन जस्ट ट्राई इट वंस, यू आर गोना लव इट। बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है येट काफी अच्छा कवरेज देता है, नेचुरल लुकिंग भी है। नेक्स्ट मैंने कुछ लिपस्टिक्स ट्राई किया है इस बार और एक है वेट एंड वाइल्ड का बहुत ही ज्यादा फेमस लिपस्टिक और ये मेरे अमेज़न कार्ट में हमेशा रहता ही है और फाइनली मैंने इसे परचेज कर लिया क्योंकि ये शेड मुझे बहुत ही यूज करने का मन था। मैंने काफी सारे यूट्यूबर्स को भी देखा है इस शेड के बारे में बात करते हुए, मैंने पर्सनली एक बार इस्तेमाल भी किया था मेरे एक फ्रेंड से बोरो करके और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इसका फॉर्म्यूला भी काफी अच्छा है और लॉन्ग लास्टिंग है एंड कलर इतना प्रिटी है, न्यूड कलर है येट फेस्टिव कलर है एकदम। हाँ थोड़ा सा ये कॉस्टली है, ये 500 समथिंग का है बट आई थिंक इट्स वर्थ इट क्योंकि इसका जो फॉर्म्यूला है और जो कलर पे ऑफ है वो काफी अच्छा है। सो इसका शेड है गिव मी मोका, मेरे स्किन टोन पर ये बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट मैंने ट्राई किया है Maybelline का ये सेंसेशनल लिक्विड मैट। इस रेंज से मैंने पहली बार ये लिप शेड ट्राई किया है एंड मुझे ये लिप शेड बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। आजकल ना मुझे ज्यादातर न्यूडिश काइंड ऑफ ब्राउनिश काइंड ऑफ टोन अच्छा लगते हैं लेकिन ये शेड मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, बिल्कुल एकदम टोटल न्यूड है। इसका जो शेड नेम है एक्चुअली वो है बेयरली न्यूड। आई थिंक अगर आप बहुत ही ज्यादा फेयर कॉम्प्लेक्शन के हैं तो शायद आपके ऊपर ये अच्छा लगेगा, बट नेवर्थलेस मुझे ये परचेज करके अच्छा ही लग रहा है क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ये अफोर्डेबल रेट में मुझे मिला, सेकेंडली इसका फॉर्म्यूला एकदम मूस सा इसका टेक्स्चर है जो मुझे काफी अच्छा लग रहा है एंड ये लॉन्ग लास्टिंग भी है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं किसी भी डार्क रेड लिपस्टिक मुझे अप्लाई करना अच्छा नहीं लगता तो मैं क्या कर सकती हूँ कि डार्क रेड लिपस्टिक के ऊपर मैं इसे अप्लाई कर सकती हूँ जिससे कि उस जो रेड लिपस्टिक का जो टोन है वो काफी यू नो सप्रेस हो जाएगा और उतना ज्यादा बोल्ड नहीं दिखेगा, येट ये काफी खूबसूरत एक शेड भी दिखेगा। सो आई थिंक मैं मिक्स मैच करके एक अलग सा शेड इसके साथ क्रिएट कर सकती हूँ विच इज अ गुड थिंग आई वुड से, बट अगर आप सिर्फ इसे ट्राई करना चाहते हैं देन आई डोंट थिंक कि ये अच्छा दिखेगा आपके फेस पर क्योंकि ये इतना ज्यादा न्यूड है। सो या आई होप कि मैं इसके बजाय कोई दूसरा पिंकिश टोन में शेड ले लेती, बट या इट्स ओके। लास्ट जो लिप शेड मैंने ट्राई किया है वो है फ्रॉम इनसाइट कॉस्मेटिक्स और इनसाइट के जो प्रोडक्ट्स है वो मुझे पर्सनली काफी पसंद है क्योंकि अफोर्डेबल रेट में उनके जो फॉर्म्यूला होते हैं, पे ऑफ होते हैं, वो काफी अच्छे होते हैं। ये सिर्फ 80 रुपीज का है बट मैंने वेयर भी किया है, आप लोग देख सकते हैं कलर पे ऑफ कितना अच्छा है, बिल्कुल स्मज प्रूफ, किस प्रूफ, ट्रांसफर प्रूफ है, नॉन ट्रांसफरेबल है कम्प्लीटली एंड इतना खूबसूरत है इसका कलर, आप लोग देख सकते हो बिल्कुल फेस्टिव लुक आ रहा है इससे। सो आई एम क्वाइट हैप्पी विद दिस बाय, लिप्स भी बिल्कुल भी ड्राई नहीं फील हो रहा। अगर आप मैं अप्लाई करती हूँ और मुझे नहीं पता होता इसका प्राइस तो मुझे ऐसा लगता कि ये 500-600 रुपए की कोई लिप शेड है। मार्स के भी मैं प्रोडक्ट्स को ट्राई आउट करना चाहती थी क्योंकि मार्स इनसाइड कॉस्मेटिक्स इनके प्रोडक्ट्स काफी अफोर्डेबल होते हैं बट बहुत ही अच्छे होते हैं मैंने सुना है और मैंने इनसाइड के प्रोडक्ट्स ट्राई आउट किया था तो मुझे पता था कि अच्छे होते हैं। तो मैंने मार्स से ये वाला मस्कारा ट्राई किया है, मेरा मस्कारा जो Maybelline का था ना वो खत्म हो चुका था, सो आई रियली नीडेड टू बाय वन, बट मुझे लगा था कि मैं Maybelline ही ट्राई करूंगी, देन आई थॉट कि व्हाई नॉट ट्राई दिस वन, ये इतना अफोर्डेबल है बट अगर अच्छा रहेगा तो मेरे व्यूअर्स के लिए हेल्प होगी। दिस इज रियली गुड मस्कारा, टीनेजर्स के लिए, बिगिनर्स के लिए तो परफेक्ट है और इसका जो वॉन्ड है वो थोड़ा सा अलग है जो कि यूजर फ्रेंडली है आई वुड से, लेकिन फ्रंट पोर्शन में अगर इनर कॉर्नर्स में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो थोड़ा सा मेसी हो जाता है क्योंकि बहुत ही मोटा है इसका वॉन्ड, बट या यू कैन वर्क विद दिस और बहुत ही ज्यादा लिफ्ट देता है ये आपके लैशेस को, सो मेरे ख्याल से तो ये काफी अच्छा है। नेक्स्ट एंड जो लास्ट प्रोडक्ट है इस हॉल के वो मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट प्रोडक्ट है, वो है ये जावेरी पर्ल्स का नेकलेस सेट जो कि बहुत ही खूबसूरत है, ये एकदम वेडिंग काइंड ऑफ नेकलेस सेट है। अगर आप कोई लाइट कलर का ड्रेस पहन रहे हैं एंड आप ज्वेलरी हेवी पहनना चाहते हैं तो आई थिंक इसके जो इयररिंग्स मिले हैं ना इसके साथ, इयररिंग्स और जो मांग टीका है उसे पहनने से ही काफी अच्छा लुक मिलेगा आपको और सिर्फ चोकर पहनने से ही बहुत ही खूबसूरत एक
रॉयल लुक मिलेगा. सो आई थिंक दिस इज बेस्ट बाय. आई वुड से जितनी भी प्रोडक्ट्स मैंने शेयर किया है आज के वीडियो में, सबसे अच्छा तो मुझे यही लगा है. इसकी क्वालिटी A1 है एंड ज़ावरी पर्ल्स के प्रोडक्ट्स अच्छे होते हैं. मैंने पहले भी इनको ट्राई आउट किया है. सो या आई एम क्वाइट हैप्पी विद दिस बाय. और लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर होंगे, प्राइसेस भी मेंशन मैंने कर दिया है. सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. वीडियो पसंद आए और इसी तरीके का वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. नीचे कमेंट करके बताइए नेक्स्ट आपको कौन सी वीडियो देखना है और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें. या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी. बाय.